नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज की UP SSSC की लेखपाल की क्लास में आज हमारा जो है सैम्पल वर्क का पार्ट सेकंड है। और जैसे दोस्तों मैंने आपका इसमें फोर्थ पार्टीशन लिया है आपका ग्राम समाज एवं विकास में, तो इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं ली हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आने वाली, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को जो है लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। क्योंकि कोई भी वीडियो के अपडेट होगा वो आपको ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, जो वीडियो आपके जिस टाइम पड़ेगी, आपकी टाइम जो भी टाइमिंग रहेगी वीडियो के, वो सब कुछ आप लोग को जो है टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। ओके, और दोस्तों साथ ही आप लोग बुक्स के लिए कह रहे थे, तो मैंने एक आप लोग के लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट देख लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है लेखपाल की बुक के लिए आप लोगों ने मुझे बताया था, तो मैंने प्रैक्टिस सेट चेक किया तो मुझे कुछ अच्छा लगा, उसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को, तो आप लोग उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास की। बात करते हैं सबसे पहली प्रमुख योजना कौन सी है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग योजना पढ़ेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए यह योजना जो है BPL परिवार के पहचान कर उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान करवाएगी। इसके अंतर्गत जो है BPL परिवारों को 1600 रुपये की वित्तीय सहायता का भी मुहैया कराया जाएगा। ओके, और इसका देखिए उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, वंचित परिवारों में खाना पकाने के लिए अशुद्ध ईंधन जो है दोस्तों अशुद्ध ईंधन को बदल कर उसके स्थान पर LPG के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। तो समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, कि जो भी वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनमें खाना पकाने के लिए उचित ईंधन, यानी कि दोस्तों उनको जो है LPG गैस का इस्तेमाल को यहाँ पर बढ़ावा देना है। और इसका जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 1 मई 2016 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लोग एज इट इज ऐसे ही याद कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग जो है अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आप लोग हमें हमारे जो है फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हर तरह से मिलती रहेगी। ओके, और Google+ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर सेकेंड योजना ली है, ये भी आपकी केंद्र सरकार की योजना है, प्रमुख योजना जन सुरक्षा योजना। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बात करें जैसे कि आपका PMJJBY, PMBSY और APY, तो इसके संबंध में दोस्तों आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जो आपका APY इसकी फुल फॉर्म अटल पेंशन योजना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब शामिल है आपका जन सुरक्षा योजना में। तो जन सुरक्षा योजना में दोस्तों कौन कौन सी योजना शामिल है आपकी, इसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा योजना, क्या दोस्तों सामाजिक सुरक्षा योजना, दूसरी क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, फिर आपकी अटल पेंशन योजना, और आपकी नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये इसमें शामिल है। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, जो भारतीय नागरिकों की जो बीमारी है, दुर्घटना एवं वृद्ध जो वृद्ध दरिद्रता है उसमें सहयोग करती है, और इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 9 मई 2015 को। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल साथ में याद करते हुए चलिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपको हम इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। जब आप लोग का इसका जो एग्ज़ाम होगा, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम आएगा तब तक आप लोग की जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और उनको भी इस चीज़ का वो प्रॉफिट ले सकें। अब जैसे कि आप लोग का अगला जो जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके बारे में तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, तो आपको बता दें फिर भी यह वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, बचत एवं जमा खाता, प्रेषण, क्रेडिट बीमा एवं पेंशन को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो आपको बता दें इसका जो उद्देश्य है, ये सार्वभौमिक तौर पर बैंक खाता खुलवाने के साथ मूल बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, जैसे कि वित्तीय शिक्षा, क्रेडिट की उपलब्धता और पेंशन सुविधा को उपलब्ध करवाना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। विभाग की बात करें दोस्तों तो इसका जो विभाग है यह है वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसका शुभारंभ किया गया था 15 अगस्त 2014 को। कब किया गया था इसका शुभारंभ, यह किया गया था 15 अगस्त 2014 को। ओके, और दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस एग्जाम में जो है आप लोग की उत्तर प्रदेश यानी कि जो है हमारी
जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, तो कुछ राज्य सरकार की भी प्रमुख योजनाएं आपके इस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों ये जो आप लोग को मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके लास्ट में मैं आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आप लोग की भारत सरकार की प्रमुख योजना भी आपको उसी में मिल जाएगी, और साथ ही दोस्तों जो आप लोग की राज्य सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, तो ये भी जो है इस वीडियो के आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि लास्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाए। बिल्कुल मैं इसी वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, जहां से आप लोग आराम से उसको देख पाएंगे। अब जैसे कि बात करते हैं जो हमारी फोर्थ योजना है, यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके संबंध में दोस्तों आपको बता दें, यह भारत सरकार का 4041 वैधानिक शहरों की सड़कों, गलियों इत्यादि को साफ करने का कार्यक्रम है। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, सड़कों, शहरों के जो सड़कें हैं, गलियां हैं, इनको साफ करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है, और यह जो है अभी तक की भारत में सबसे बड़ी स्वच्छता पहल है, जिसमें 3 लाख सरकारी कर्मचारी और स्कूल व कॉलेज के छात्रों द्वारा सहभागिता की गई है, और इसका शुभारंभ नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। ओके, इसका दोस्तों पिछला लॉन्च आपको बता दें, ये था पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम 1999 का नाम बदलकर 2012 में इसका जो था निर्मल भारत अभियान रखा गया, और कार्यक्रम को 2014 में फिर से शुरू किया गया। क्लियर है। अब आपकी जो पांचवी योजना आती है, एक इम्पॉर्टेंट योजना, ये भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो इसका संक्षिप्त जो नाम है ये है आप लोग का DAY Day। संबंध में आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के उत्थान हेतु एक केंद्रीय योजना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हम लोग केंद्रीय योजना की बात कर रहे हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये 2016 से प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन शहरी लोगों तथा 2017 से प्रतिवर्ष 1 मिलियन ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है ना, इस योजना के तहत दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण लोगों को यहां पर प्रशिक्षण देना है। और इसका जो विभाग या मंत्रालय की बात करें, तो यह है आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, और इसका जो आरंभ किया गया था दोस्तों, यह किया गया था 25 सितंबर 2014 को। क्लियर। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ओके चलिए अब बात करते हैं हमारी जो 6th प्रमुख योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। यह सरकार की प्रमुख शहरी विकास एवं आवासीय योजनाओं में से एक है, और इसका जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है, ये 2022 में जो है 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। और इसका जो विभाग और मंत्रालय की बात करें, तो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 17 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई। और आपको बता दें दोस्तों, इसे 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम को दोबारा प्रारंभ किया गया। क्लियर है। और देखिए नेक्स्ट आप लोग का जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। तो आपको बताएं दोस्तों, नमामि गंगे योजना जो है केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्या है दोस्तों, ये एक परियोजना है, एक महत्वाकांक्षी, जो गंगा नदी को स्वच्छ बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसका जो उद्देश्य आपको बता दें, तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है गंगा का कायाकल्प करने के लिए सभी प्रयासों और योजनाओं को मिलाकर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना का निर्माण करना है। लागत की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो लागत है 2037 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ओके, अब देखिए आठवीं योजना है जो आप लोग की, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर जो है आपका डिजिटल भारत, जो डिजिटल हमारा जो इंडियन जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका विभाग है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है ना, तो IT डिपार्टमेंट। और जो उद्देश्य की बात करें, ये जो है आपके जो भौतिक दस्तावेज का कम इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को प्रोत्साहित करना, यानी कि अपने इंडिया को डिजिटल बनाना, यही मेन चीज़ है इसकी। और नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें किसानों की फसल के संबंध में जो अनिश्चितताएं आती हैं, ठीक है ना, तो अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए यह योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि जो भी आपके जो नेचुरल डिसऑर्डर होते हैं, जिस वजह से दोस्तों किसानों की जो है फसलें खराब हो जाती हैं, तो उनको जो है इनके अंतर्गत जो है बीमा लाया गया है। तो इसके लिए दोस्तों ने बीमा दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो है यहाँ पर मदद हो सके। आप जैसे कि इसका जो लक्ष्य है, ये फसल बीमा जो है एक राष्ट्र और एक योजना विषय पर आधारित है, और इसको लागू किया गया था 13 जनवरी 2016 में। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैं आपको योजनाएं कराऊंगा,
ठीक है ना, इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग या तो नोट कर लीजिएगा, वरना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो की अपडेट हो वो आपकी मिस ना हो। और आप लोग एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, मैंने उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। बेस्ट बुक के आगे एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग उसका रिव्यू देख सकते हैं, जो उससे अगर आपको पसंद आए तो आप लोग उसको परचेज कर लीजिएगा। ओके, और भी मैं कई सारी आप लोग के साथ बुक्स जो है डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप लोग बताएंगे मैथ्स के लिए क्या चाहिए, तो मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा। जो जो मैं आपको जो बुक्स वगैरह जो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोग उन बुक्स को अगर परचेस कर लेते हैं तो फिर आप लोग को जो है, अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे साथ ही साथ में, तो फिर आप लोग समझ लो पेपर पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आप लोग को ना आता हो। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका जो पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये क्या, देखिए यह भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के काले धन को सरकार बैंकों में जमा करके इसे गरीब कल्याण योजना में लगाएगी। ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य गरीब कल्याण योजनाओं में से पैसे लगाकर उनका विकास सुनिश्चित करना। इसकी शुरुआत दिसंबर 2016 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों डिजिटल इंडिया की बात करें, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योजना है। जैसे कि दोस्तों इस टाइम डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, इस टाइम बहुत लागू हो रहा है, तो इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। डिजिटल भारत जो है एक भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य जो है सभी सरकारी विभाग यानी कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोगों को दोस्तों संगठित करना है। डिजिटल भारत कार्यक्रम के तीन मुख्य घटक है। सबसे पहला, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, सबसे पहला इसका जो घटक है ये है डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। दूसरा जो इसका मुख्य घटक है ये है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, ठीक है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है ये है आपका डिजिटल साक्षरता। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अपना जो इंडिया है बिल्कुल डिजिटल होता जा रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों जो है अधिक से अधिक जो पढ़ाई होगी वो दोस्तों आपकी गूगल और यूट्यूब पे ही होने वाली है। ओके, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डिजिटल इंडिया का इसमें बहुत बड़ा मेन रोल है। और लक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो ये जो है आम नागरिकों तक सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाई जाएं, ताकि पारदर्शिता के साथ साथ कागज का इस्तेमाल कम किया जा सके, ठीक है ना। तो पेपरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई जा रही है पूरी तरीके से। ओके, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं दोस्तों, एक की एक दोस्तों जो खुद से पढ़ना क्लासेस लेना, तो कितनी गवर्नमेंट आप लोग को यहाँ पर आराम दे रही है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो घर बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए ये वीडियो ही देख रहे हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग कभी भी देख सकते हैं। इस क्लास को आप लोग किसी भी टाइम जो है अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो कभी भी आप लोग इसके लिए आप लोग कर सकते हैं बस। तो यही चीज़ दोस्तों क्या आती है, यही जो चीज़ आती है ये आती है आपके डिजिटल इंडिया में। ओके, तो इसका विभाग की बात करें तो दोस्तों उसका जो विभाग है ये आपका संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार। और आज के दोस्तों ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 12th योजना, इसके बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कल योजनाएं आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आपको बता दें इसके संबंध में, ई बस्ता पोर्टल एक सरकार की ओर से सुविधाजनक पोर्टल है। यह छात्रों के मदद के लिए पोर्टल है, जिसमें वे जरूरत के हिसाब से कभी भी कहीं भी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है आपको बता दें, ठीक है। मेन रोल इसमें किसका है, छात्रों शिक्षकों और स्कूल अथॉरिटी के बीच ये पारदर्शिता लाएगी। तो दोस्तों इस पोर्टल से क्या होगा दोस्तों, ये आपका जो ई बस्ता पोर्टल है इससे जो छात्र हैं शिक्षक हैं और जो स्कूल अथॉरिटी के बीच यहाँ पर जो पारदर्शिता आएगी। इसका जो उद्देश्य है, जो इसका जो लक्ष्य है, ये विद्यालय और प्रकाशकों जो पब्लिशर्स होते हैं उनको एक साथ लाना है, ठीक है ना। जो स्कूल हैं और जो पब्लिशर हैं इनको एक साथ लाना है। और इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 30 जनवरी 2015 को। क्लियर है। ओके, आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ओके, चाहे तो दोस्तों आप लोग फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जहाँ मन हो वहाँ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, और फिलहाल अभी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इसके बाद जब हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरीके से लेकर आएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।